जो बिहार नहीं संभाल सके, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी थी तो कानून का राज था, कहीं न कहीं शासन प्रशासन में बैठे लोग किसी के दबाव में कानून का राज स्थापित करने से हिचक रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति बंद करिए और हृदय से समान भाव से सबकी सुरक्षा की गारंटी कानून का राज स्थापित करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि रामनवमी के शोभा यात्रा में दो जिलों में हुई हिंसा को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और वो साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि अब लोगों के अंदर से प्रशासन का और सरकार का जो भय है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और वही नहीं, विजय सिन्हा ने ये भी कहा कि बिहार पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति में चल गया है। अब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में जाए या रामनवमी के शोभा यात्रा में जाए, अब जो लोगों के अंदर से सरकार का डर है वो खत्म हो चुका है। और वही नहीं, विजय सिन्हा ने ये भी कहा कि बिहार तो संभल नहीं रहा है और अब जा रहे हैं लाल किला पर झंडा फहराने। और भी क्या कुछ करें विजय सिन्हा, आप देखिए इस वीडियो में। बिहार में जहां दंगा हो रहा है रामनवमी के बाद, वहां दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी में जाते हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको आप लोग? देखिए, वो इफ्तार पार्टी में जाएं या नवरात्रा में जाएं, ये उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन जब बिहार जल रहा है तो कम से कम किसी का मनोबल ना बढ़े। मुख्यमंत्री हैं, बिहार के अभिभावक का स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को शासन प्रशासन में समान भाव से निरपेक्षता झलकनी चाहिए और ये निरपेक्षता बिहार में नहीं झलक रही है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन में बैठे लोग किसी के दबाव में कानून का राज स्थापित करने से हिचक रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति पूर्णतः हावी है। जिस तरह से अरेस्टिंग लोगों की हो रही है और जिस तरह से लोगों को भयभीत किया जा रहा है और एक खास वोट बैंक के लिए, उसकी तुष्टिकरण के लिए पुलिस के सामने वो ढेला बरसा रहा है, आग लगा रहा है और पुलिस लग रही है जैसे दबाव में है, फॉर्मेलिटी निभा रही है, तो ये कतई स्वीकार नहीं होगा। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबका समान अधिकार होना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। कोई यहां पर अतिथि नहीं है और जिसको कुटुंब बना के रखना चाहते हैं वह कुटुंब के लिए हितैषी नहीं है वो, क्योंकि उनको भी इसी समाज के बीच रहना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, तुष्टिकरण की राजनीति बंद करिए और हृदय से समान भाव से सबकी सुरक्षा की गारंटी कानून का राज स्थापित करेंगे। पहली बार लाल किला पे तिरंगा फहराएंगे उनके लोग पार्टी के? जो बिहार नहीं संभाल सके, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी थी तो कानून का राज था, सबका साथ सबका विकास की भाव था। आज क्या कर रहे हैं? कुर्सी के लिए कितना समझौता, उन्माद पैदा कर रहे हैं, कहीं धार्मिक उन्माद, कहीं जातीय उन्माद। ये लोग समाजवादी चरित्र के लोग कहलाते हैं और समाजवाद के प्रोता लोहिया जी, माननीय जयप्रकाश नारायण जी, सब लोग कहे थे जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है, लेकिन ठीक उसके विपरीत काम कर रहे हैं। उन्माद पैदा न करें, ईमानदारी के साथ जब तक कुर्सी पर हैं, ऐसे तो ज्यादा दिन रहेंगे नहीं ये स्पष्ट है, लेकिन जब तक है ईमानदारी के साथ अपने छवि को बचाएं। तो अभी आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार पूरी तरीके से अब अराजकता के माहौल में चला गया। और वही नहीं, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार अब इफ्तार पार्टी में जाए या रामनवमी के शोभा यात्रा में जाए, अब लोगों के अंदर से सरकार का और प्रशासन का डर जो है वो खत्म हो चुका है। और वही नहीं, विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि बिहार तो इनसे संभल नहीं रहा है और अब ये जाएंगे
दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराने और भी क्या कुछ कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।